भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात 27 और 28 अप्रैल को होने वाली है। हालांकि यह मुलाकात अनौपचारिक होगी, यानी इस बातचीत के बाद न तो किसी एग्रीमेंट पर साइन होंगे और न ही साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। मोदी और जिनपिंग द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक मसलों पर ही बातचीत करेंगे। इस मसले पर चीन के उप विदेश मंत्री कोंग शुआन यू ने बताया कि भारत और चीन न ही किसी समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे और न ही कोई दस्तावेज जारी किया जाएगा, सिर्फ गतिरोध वाले मुद्दों को सुलझाने पर बातचीत होगी। दोनों देशों में इसी पर सहमति बनी है। भारत और चीन के बीच कई मामलों को लेकर गतिरोध बन रहा है, लेकिन इनको लेकर दोनों नेताओं ने कोई बातचीत नहीं है। उदाहरण के तौर पर भारत अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने की बात समय समय पर यूएन में उठाता रहा है। चीन का कहना है कि वो बिना फैक्ट के इस पर कोई फैसला नहीं लेगा, इस विषय पर बातचीत नहीं होगी। इसके अलावा यूएन की सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता जैसे महत्वपूर्ण मसले पर भी कोई बातचीत नहीं होगी। आपको बता दें कि जापान, यूके, यूएस, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश भारत के पक्ष में खड़े हैं, लेकिन चीन हर बार वीटो का इस्तेमाल कर अड़ंगा लगाता है। इसके अलावा पिछले दो साल से दो देशों के बीच जारी डोकलाम विवाद और आतंकवाद पर भी बातचीत नहीं होगी, जबकि दोनों देश के नेताओं के बीच आपसी रिश्तों को और बेहतर बनाने, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास के जैसे मुद्दों पर बातचीत जरूर होगी। टीम न्यूज़ नाउ।